रुझान सामने आ रहे हैं और रुझानों से जुड़ी पल पल की खबर, पल पल का अपडेट लगातार हम आपके सामने रखते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। और मध्यप्रदेश की विधानसभा सीटों को लेकर बात करें तो 28 में से 19 सीटों पर बीजेपी आगे चलती दिखाई दे रही है और 8 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई। और इसके अलावा जो त्रिकोणीय मुकाबले को लेकर कुछ सीटों पर देखने को मिली थी स्थिति, तो वहां पर से एक सीट बसपा के खाते में फिलहाल जाती दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात करें तो मुन्ना लाल गोयल ग्वालियर पूर्व से आगे चलते दिखाई दे रहे हैं और प्रद्युमन सिंह लोधी बड़ा मलहरा से आगे हैं जनमत 2020। हालांकि 2020 के आखिर तक जिस तरह से देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सत्ता में भी एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। शिवराज सरकार बरकरार रहेगी या फिर खोई हुई सत्ता कांग्रेस वापस पाएगी, इसको लेकर ये उपचुनाव था। और हालांकि जिस तरह से परिस्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं, ये माना जाने लगा है कहीं कहीं कुछ नेताओं में बीजेपी को लेकर बात की जाए तो खुशी की लहर, एक दूसरे को मिठाई भी खिलाते दिखाई दे रहे हैं। और बीजेपी कार्यालय में भी इस तरह देखा जाए लगातार नेता परिणामों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी लगातार देखते दिखाई दे रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर बात की जाए तो अभी उन्होंने कुछ ही देर पहले प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को मिठाई खिलाई है और खुशी का इजहार किया है। हालांकि 19 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए, दिन चढ़ता जा रहा है तो परिणामों के जो रुझान है वो भी जो है लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि गिनती खत्म होते होते सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाती है। और हालांकि लगभग स्थिति साफ होती दिखाई देने लगी, लेकिन खुलकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि चुनाव और क्रिकेट मैच को लेकर यही कहा जाता है कि कब किस बॉल पर, कब इस किस ईवीएम मशीन के बाद क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस को लेकर बात की जाए तो लगातार जीत के दावे दोनों ही पार्टियां करती रही है। और चेतन सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी नेता, और इसके अलावा हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार। चेतन जी, बीजेपी नेताओं की कुछ तस्वीरें अभी हमारे पास आई, उनको देखा और खासकर गृहमंत्री डॉक्टर अमित शाह को लेकर जब हमारे संवाददाता ने बात की थी तो उन्होंने काफी एक खूबसूरत मुस्कान में बात कहते हुए नजर आए। किस तरह देखे इस मुस्कुराहट को और किस तरह देखे आने वाले रुझानों को? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, नेता होने के नाते और इस विचारधारा का समर्थक होने के नाते लाखों लाख कार्यकर्ताओं को आज मन में उमंग है। इस प्रकार के शांति का वातावरण ताकि ये रातल पर टिकने वाला नहीं था, क्योंकि कृत्रिम रूप से कांग्रेस ने जो पासा फेंका था 28 28, तो मुझे लगता है 2020 को तो अभी सरकार ने मान्यता दी है, 28 का इनको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता ने जो जनादेश दिया है, भारतीय जनता पार्टी का कुशल क्षेत्र रक्षण और उस पर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का बढ़िया बैट्समैन की तरह सदकी पारी, इन सबका परिणाम है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो आप प्रदेश से आपके स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जो एक संशय का वातावरण निर्मित करने की जिन लोगों ने कोशिश की थी उसको मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का एक करारा जवाब है। और यह आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को, सरकार की नीतियों को कहीं ना कहीं जनता ने आशीर्वाद दे करके इस बात का लाइसेंस हमको दिया है कि आप प्रगति के पथ पर चलते चलिए, जो विकास के कार्य आपने प्रारंभ किए हैं उस पर आप बढ़ते चलिए। और फिर से ये कहूंगा कि मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसा देखा है कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान सो है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता को बरकरार करके मध्य प्रदेश की जनता ने जो उपकार किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के चरणों में वंदन प्रस्तुत करता हूँ। जी बिल्कुल डॉक्टर उपाध्याय, किस तरह देखें आने वाले रुझानों को लेकर और जिस तरह से चेतन सिंह जी कहते दिखाई दे रहे हैं कि जनता ने एक बार फिर बीजेपी पे भरोसा जताया है, बीजेपी में कुछ ऐसा खास देखा है कि एक बार फिर बीजेपी को अपना मत देती जनता नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि जनता का विश्वास कांग्रेस के साथ है और एक बार फिर सत्ता पलटेगी तो कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल जो शुरुआती रुझान निकल कर सामने आए तो कुछ कुछ तस्वीर फिलहाल साफ होती दिखाई दे रही है, क्या कहें शिशिर जी? तस्वीर लगभग लगभग साफ है, पूरे चुनाव के दौरान भी स्थिति बड़ी साफ नजर आ रही थी। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान जैसा लोकप्रिय जो आम आदमी के बीच में अपनी जगह बना लेते हैं और जिनसे जिनके सामने बैठने पर ये फील होता है कि वो हमारे बीच के आदमी है, और दूसरी तरफ कारपोरेट कल्चर में मतलब अमेरिका स्टाइल में अपने आप को पेश करने वाले अहंकार से भर लवरेज जो पूर्व मुख्यमंत्री
कमलनाथ जी थे जो आम आदमी को कुछ समझते ही नहीं है, आम आदमी के बीच उनका कहीं कोई दखल नहीं नजर आता है, वो अपने कांच के बंद कमरों में एसी में बैठ के अपनी रणनीति बनाते हैं और यही नजर आया है। आज देखिए कांग्रेस प्रतिस्पर्धा में कहीं नजर नहीं आ रही थी, ये जो हार की जो बता रहे हैं आप, जो अभी जो परिणाम आ रहे हैं, जो 8 सीटों पर जिस पर कांग्रेस, आप अगर उसका अध्ययन करेंगे तो आपको ये लगेगा कि वहां भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी किसी मतभेद के कारण वहां कांग्रेस जीतती नजर नहीं आ रही है। वहां पर या तो बसपा के कारण वोट कटे उसके कारण, या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के दूसरे जो जिनका टिकट बदला गया था वो शायद उतनी मदद नहीं कर पाए, या ये कारण रहा होगा। कांग्रेस दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही थी पूरे चुनाव में। आज भी स्थिति, अभी भी जो स्थिति आपको लग रही है वो मुझे ऐसा लगता है कि शाम तक आते आते, चूंकि 2 सीटों पर बसपा का काफी असर देखा गया था, भिंड में मैं खुद गया था, वहां असर देखा गया था और उसपे 1 सीट पर लग भी रहा है कि शायद बसपा निकाल सकती है चूंकि मतों का अंतर ज्यादा है, लेकिन ये शाम तक बदल सकते हैं। तो अभी सबसे खुशी की बात ये हो सकती है कि आप चेतन भाई ने कहा वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लेना शायद परहेज कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी बहुत मेहनत रही है। शिवराज सिंह चौहान जी के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बहुत मेहनत की है, क्योंकि अब चेतन भाई आपके वो भी नेता हो गए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आपकी पार्टी के नेता है, तो आप कैलाश विजयवर्गीय का जितना योगदान कह सकते हैं, जैसे 1 सीट पर मैं गया था चौधरी मुकेश सिंह ने बहुत काम किया वहां उस सीट पर, और वो सीट भाजपा के खाते में जाती नजर आ रही है। कुछ सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, सब जगह शिवराज सिंह चौहान सब जगह गए हैं, लेकिन कुछ जगह जैसे कैलाश विजयवर्गीय जी ने अपने स्तर पर जो तुलसी सिलावट वाली जो सीट है उसमें बहुत मेहनत की थी और उनके कार्यकर्ता लगे रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में वफादारी के साथ, जो ऑनेस्टी के साथ जो काम किया है प्रत्येक सीट पर, शिवराज जी का तो अपना ऑरा है, शिवराज जी पूरे प्रदेश के 28 सीटों पर गए हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को या हम ज्योतिरादित्य सिंधिया को या चौधरी मुकेश सिंह ने जो वहां मेहनत की थी, जो काम किया था और उसका परिणाम उस सीट पर, वो भिंड की वो सीट है, उस सीट पर भाजपा के पक्ष में निर्णय जा रहा है। तो मुझे लगता है कि चेतन भाई को खुले दिल से बाकी नेताओं के भी नाम लेना चाहिए, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या चौधरी मुकेश सिंह। बिल्कुल शेषर जी, जिस तरह से नेताओं को लेकर बात की जाए तो वाकई काफी लंबी टीम पूरे चुनावी बिसात पर लगातार मेहनत करती दिखाई दी बीजेपी की तरफ से। इस पर फिर मैं आपसे बात जारी रखूंगा, चेतन जी का रुख करूंगा। चेतन जी, कहने को तो 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव थे, लेकिन जो सबसे खास सीटें मानी जा रही थी वो ग्वालियर चंबल संभाग की मानी जा रही थी, और कहा जा रहा था कि ये सीटों पर चुनौती काफी बड़ी है, चाहे बीजेपी की बात हो या कांग्रेस के लिए। खास करके बीजेपी को लेकर देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदलने को लेकर काफी टफ कॉम्पिटिशन यहाँ पर माना जा रहा था, तो किस तरह देख रहे हैं इस अंचल की सीटों को आप, चेतन जी? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस ने गद्दार और खुद्दार की लड़ाई बनाने की कोशिश की, बिकाऊ टिकाऊ बनाने की कोशिश की, मुझे लगता है कि कांग्रेस में वो हिंदुस्तान के डीएनए पे चुनाव लड़ना नहीं चाहती। मैं क्या कर सकता हूँ, वो कभी पाकिस्तान की बात करते कभी चाइना की करते हैं। अभी कल जम्मू कश्मीर में उनका एक नेता कहता है कि हम जो बाइडेन जो राष्ट्रपति बन रहे हैं उनके माध्यम से हम धारा 370 खत्म कराएंगे। तो कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा तो बड़ा विचित्र है। चंबल का जो इतिहास है, चंबल का स्वाभिमान सम्मान का प्रतीक है चंबल, वो बिकाऊ और गद्दार का नहीं है, ये कांग्रेस को पता ही नहीं है। गद्दार का नहीं, इसीलिए तो कांग्रेस वहां साफ हो गई है। और ये सच है, हमने पहले भी कहा था कि एक और एक मिलकर के अगर हम गणित के माध्यम से देखें तो 2 होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब एक और एक है, राजा और महाराजा और शिवराज मिल गए तो एक और एक 11 हो गए। मुझे लगता है कि जो एक बड़े वैक्यूम के साथ में जो परिवर्तन चंबल संभाग में हमको देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं सिंधिया साहब के जो अपना व्यक्तिगत प्रभाव है, जो उनकी मेहनत है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता, अरविंद भदौरिया जी लगे रहे, कमल पटेल जी पूरे आगरा मालवा इधर लगे रहे, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, जिनके नेतृत्व में तो हम बंगाल का किला फतेह करने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे कोई संशय नहीं है कि बिहार का जिस प्रकार से हमने परदेश से बदला है, हम बंगाल में भी परिवर्तन लेकर के आएंगे, और बंगाल का कोई वास्तव में रियल टाइगर होगा तो मेरे मध्य प्रदेश का। इससे ज्यादा खुशी किसको हो सकती है, क्योंकि दिल्ली के बाहर अगर किसी, जहां भाजपा का कमल कभी नहीं खिला हो, वहां अगर भाजपा का कमल खिलता है, वो कैलाश जी के नेतृत्व में खिलता है, तो उससे ज्यादा सौभाग्यशाली कार्यकर्ता कौन होगा जो मध्य प्रदेश की पावन भूमि से आता है। निश्चित रूप से हमको वहीं पर, हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने
संगठन के आधार पर जो ग्वालियर चंबल में एक जमावट थी और वहाँ भोपाल से ले जाकर के माननीय उमाशंकर गुप्ता जी को पूरे संगठन पर लोगों को लगाने का काम किया, निश्चित रूप से इन सबका प्रभाव पड़ा है। और उपाध्याय जी आपकी उस बात से मैं सहमत हूँ कि अगर यदा कदा मेरे कुछ लोग अगर और मेहनत कर जाते तो भारतीय जनता पार्टी 25 प्लस पर होती, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन वही है कि जो मिला वो मुकद्दर है, जो नहीं मिला उसके लिए संघर्ष हमारा जारी रहेगा, लेकिन आने वाले समय में जो वैक्यूम खाली है उसको हम पूरा करने, बिल्कुल जो नहीं मिलेगा संघर्ष जी जी चेतन जी, एक बात हमको लेकर के और लोग कहते थे कि ये जो लोग भारतीय जनता पार्टी में जो नेता विधायक आ गए अब इनका होगा क्या, मैं उनको बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूँ कि मुझे नहीं आती उड़ती पतंगों की तरह लहराना, अगर गले लगा लिया है तो वो मांझा नहीं हूँ जिसको काट के मैं आ जाऊँ। बहुत प्यारी बात आपने कही है। और मेरे परिवार में आ गए वो मेरे अतिथि देवो भव, मेरे मेहमान है, मेरे घर का आदमी बल्कि बात का होगा क्योंकि वो मेरा अतिथि, वो मेरा भगवान। चलिए बिल्कुल, और शीशी जी आपका रुख करूंगा लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें मंदसौर सुवासरा सीट पर देखा जाए तो 16वें राउंड में हरदीप सिंह डंग भाजपा प्रत्याशी 18,558 वोटों से आगे हैं। और गुना बमोरी को लेकर बात की जाए तो 8वें राउंड में भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सिसोदिया 16,104 मतों से आगे हैं। मान सिंह सिसोदिया को अभी तक 34,223 कुल मत प्राप्त हुए हैं। और कन्हैया लाल अग्रवाल को लेकर बात करें तो इन्हें 18,119 अब तक मत प्राप्त हो चुके हैं। शिशिर जी मतों के आंकड़ों को देखकर हालांकि कयास ये लगाया जा रहा था कि कंपटीशन तो काफी टफ है, अगर जीत और हार होगी तो बहुत कम आंकड़े से जीत हार का फैसला हो सकता है, लेकिन यहां पर जिस तरह से अभी तक वोटों को लेकर बात की जाए शिशिर जी तो हजारों में निकलकर सामने आ रहा है, 16,034,018 तो किस तरह देखें नतीजों को? देखिए जनाब आपने बिल्कुल सही बात कही कि आंकड़े आश्चर्यजनक है जी, और मैं चेतन भाई की उस बात से सहमत हूं बिल्कुल कि सारे लोगों ने मिलकर मेहनत की है, सारे लोगों ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, चाहे उमाशंकर गुप्ता जी हो चाहे संगठन अरविंद भदौरिया जी ने बहुत मेहनत की। मैं उस जब ग्वालियर चंबल संभाग में गया तो हर विधानसभा क्षेत्र में जो उनका क्षेत्र था कई बार टकराते थे, वो कभी घर पे आराम करते नजर नहीं आए, वो उन्होंने बहुत मेहनत की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की एक परिपाटी रही है, इसके पहले कांग्रेस ने ये सोचा था कि व्यापम घोटाला भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ और सरकार बन गई, ये इनको ऐसा लगता था, लेकिन वो उसको तरीके से कभी प्रेजेंट नहीं कर पाए। अभी भी इन्होंने गद्दार टिकाऊ बिकाऊ, इन्हें ऐसा लगा इनके जो कांच के महलों में बैठ के ये तय कर लेते हैं कि यार ये मुद्दा जनता में अपील कर रहा है, अगर दो आदमी उन्हीं के आदमी ने कह दिया कि साहब वो बिकाऊ वो टिकाऊ का मामला बहुत चल रहा है और इस बार तो चारों खाने चित हो गई भाजपा, ये इसी में खुश होके और 28 की 28। एक्चुअल में आज एक चैनल पे मैं बैठा था उसमें एक नेताजी ने कहा बड़े उसके साथ स्वीकार किया उन्होंने कि हम 2028 की बात कर रहे थे, 28 जो कह रहे थे बार बार, तो हम 2028 में लौट के आएंगे इसकी बात कर रहे थे हम जी। तो ये जो है ये कांग्रेस अपना दिवा स्वप्न जो है इस तरीके के मामलों को सोच लेती है और प्लान बना लेती है, लेकिन जमीन पे कहीं वो नहीं कर पाती है। और जो लीड आई है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस और भाजपा में एक अंतर है, भारतीय जनता पार्टी का मैं वहां उमाशंकर गुप्ता जी भी आदरणीय उमाशंकर गुप्ता जी भी मुझे मिले उस क्षेत्र में, और जो इन लोगों का जो काम करने का तरीका था ये डोर टू डोर जाने का काम करने का तरीका था, और हमारे कांग्रेस के मित्रों का हवाई जहाज से उतरे हेलीकॉप्टर से उतरे और वहां गए हाथ हिलाया जैसे कोई फिल्मी स्टार नहीं आता है उस टाइप का, मतलब वो जो कुर्ते का कलफ है उसकी जो क्रीज है वो इतनी तगड़ी रहती है कि पूरा दौरा कर डालते हैं, कई सभाएं कर डालते हैं, लेकिन उसकी क्रीज जो है उसमें कहीं से सल नहीं आ सकती होती। तो इसके कारण आज जो परिणाम मिल रहे हैं मैं अभी भी ये उम्मीद कर रहा हूँ कई जगह परिणाम भाईजान बदलने की स्थिति में है, जो जहाँ बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, जहाँ जो 8 सीटों की बात चल रही है उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, एक जगह तो 150 सीटों का अंतर है और वो कभी भी आगे बढ़ सकता है। ये जो 25 की बात कर रहे हैं चेतन भाई बिल्कुल सही है कि संभव ये है कि हम और आगे बढ़ सकते हैं, अभी उनकी पार्टी कुछ सीटें और आगे बढ़ सकती है क्योंकि ये अभी राउंड ज्यादा है, वो राउंड जैसे जैसे बढ़ेंगे अपने आप परिणाम सामने आएंगे। बिल्कुल शीशी जी, शुरुआत में भी आपने ये बात कही कि जिस तरह बीजेपी को लेकर बात की जाए तो तकरीबन तमाम दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाला हुआ था और हर एक मोर्चे पर अलग अलग रणनीति के तहत काम करते पूरे दिग्गज कार्यकर्ता करते दिखाई दिए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही चेहरा आगे बढ़ते दिखाई दिया, वो है कमलनाथ। तो क्या लगता है जिस तरह से मेहनत को लेकर बात की जाए वो मेहनत रंग ला रही है बीजेपी की तरफ से, सिर्फ एक चेहरे को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ती दिखाई दी, इसका कितना असर पूरे समीकरण पर पड़ता दिखाई दे रहा है शिशिर जी?
चेतन भाई को बुरा ना लगे तो एक बात कहूं, भाजपा की ज्यादा जरूरत से ज्यादा मेहनत का परिणाम कम है इसमें कांग्रेसियों की निष्क्रियता का परिणाम, वहां एक चेहरा देख देख के बोर हो गए आदमी। मुझे कुछ लोगों ने ये कहा था, मैं गया था खंडवा क्षेत्र में, तो मुझसे कहने लगे नंदू भैया ने बहुत मेहनत करी है, खंडवा का जो परिणाम आ रहा है चेतन जी उसमें नंद कुमार सिंह चौहान जी प्रदेश पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत मेहनत की है वहां पे। मैं वहां जब गया तो वहां एक आदमी ने मुझसे ये कहा, बोले साहब प्रदेश अध्यक्ष भी वही, मुख्यमंत्री भी वही, नेता प्रतिपक्ष भी वही, कांग्रेस के अध्यक्ष भी वही, सारे पद 15 महीने किसी को निगम मंडल अध्यक्ष तक नहीं बनाया उन्होंने। तो ये जो हवस है, जो पद की हवस है, अभी भी वो बरकरार है, वो किसी को आगे, आप देखिए भाईजान में पूरे विधानसभा क्षेत्र 28 क्षेत्र में गया और दो दो तीन तीन दिन रुक के आया हूँ, वहां पर मुझे सिर्फ माननीय कमलनाथ जी के अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आता था। और कमलनाथ जी की 73-74 साल की उम्र है, उनसे कितना कांग्रेस उपयोग करेगी उनका, अब उनका जो बाणप्रस्थ वाला समय आ गया है, उनको घर बैठ जाना चाहिए और किसी युवा आदमी को आगे लाना चाहिए। और उसके जो हर जगह कमलनाथ जी के कारण और लोगों में मतलब जो अहंकार वाला जो मामला था उसमें हर आदमी कहता था कि हाथ हिला के चले जाने से काम नहीं चलता, 15 महीने भी इनने हाथ हिलाया है, सिर्फ 15 महीने भी इनके विधायक इनके मंत्री मिलने को तरसते रहे, इनके पदाधिकारी मिलने को तरसते रहे। आप ये बताइए, मैं किसी के दल की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनता ने चुना है आपको और जनता से दूर बैठोगे आप तो जनता आपको इतना दूर कर देगी कि आप कभी पलट के नहीं आ सकते। तो ये जनता द्वारा चुनी गई सरकार अगर थी लेकिन जनता के लिए काम करते कभी नजर नहीं आए। भाषण जरूर दे सकते हैं, हमने ये किया हमने वो किया, परिणाम बता रहे हैं। आप कितना ही बोल दें शिवराज सिंह चौहान के बारे में, कितना ही बोल दें कांग्रेस कितनी आलोचना करती रहे, लेकिन आम आदमी को स्वीकार है, आम आदमी जैसा आदमी, उसको ये अहंकार नहीं चाहिए, उसको इतना दूरी नहीं चाहिए, उसको इतना सुपर स्पेशल आदमी नहीं चाहिए जो सलमान खान का फैन बन जाए। और जो जिस तरीके का उनका प्रेजेंटेशन था भाईजान, वो देख के लगता था कि फिल्मी ड्रामा करते नजर आते हैं कहीं ना कहीं। और वास्तविकता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में मैं चेतन भाई इस बात से सहमत हूँ कि जमीनी स्तर पर जो मेहनत की गई है उस मेहनत का कहीं ना कहीं परिणाम नजर आ रहा है, लेकिन इसमें कांग्रेस की भारी निष्क्रियता जो है और आपस में, अब आप देखिएगा मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं दे रहा हूँ, कांग्रेस में भगदड़ मच जाएगी, कांग्रेस के जो है उनमें से बहुत सारे लोग और छोड़ छोड़ के, क्योंकि वही स्वीकार करने लगे। जी हम अपनी टीवी स्क्रीन पर विजुअल भी दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें ताजा सामने आ रही हैं शिशिर जी, बीजेपी कार्यालय से तस्वीरें सामने आ रही हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए ये भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके की पार्टी रही है कि चाहे किसी भी राज्य का परिणाम आए, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष उसका जश्न मनाने दीनदयाल भवन में पहुंचते हैं और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं के साथ उसको सेलिब्रेट करते हैं। आप एक तस्वीर मुझे बता दीजिए कि कांग्रेस की किसी परिणाम में जीत के आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष उनके और उनके पूर्व मुख्यमंत्री जी कार्यकर्ताओं के बीच नजर आए हो, एक तस्वीर बता दीजिए। बिल्कुल शिशिर जी, और बीजेपी कार्यालय की एक खास बात और यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये लोग आम आदमी के साथ कार्यकर्ता के साथ खड़े होने वाले हैं। जी बिल्कुल शिशिर जी, बीजेपी कार्यालय के बाहर एक खास तस्वीर और जो देखने को मिल रही है वो ये है कि जो सिंधिया समर्थक है वो एक अलग उत्साह में नजर आ रहा है, हालांकि पूरी बीजेपी में जश्न का माहौल तो है लेकिन ये जो जश्न है कुछ खास बनता दिखाई दे रहा है क्योंकि सिंधिया समर्थक यहाँ पर एक अलग अंदाज में नजर आ रहा है। तो सिंधिया की बात निकलकर सामने आ रही है चेतन जी, तो क्या कहेंगे जिस तरह से सिंधिया को लेकर बार बार कांग्रेस यही कहती नजर आ रही है कि बीजेपी की हार पक्की है और बीजेपी हारती है तो सिंधिया ये आरोप लगाएंगे कि कांग्रेस वो बीजेपी की तरफ से बीजेपी वजह से जो है सिंधिया की सीटें हारे हैं और अगर सिंधिया की सीटें हारती है तो बीजेपी कहती नजर आएगी कि सिंधिया की चेहरे की वजह से ये सीटें हारे, इस तरह की बार बार बातें निकलकर कांग्रेस की तरफ से निकलकर सामने, तो क्या लगते हैं किस तरह की भूमिका को देखते हैं आप सिंधिया की? चेतन जी, क्योंकि सिंधिया जी को पार्टी में रहते हुए भी इसी प्रकार से अंडर एस्टिमेट किया तभी तो सारी परिस्थितियां बनी है। आप उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना रहे थे, आप उनको सांसद बनाने को तैयार नहीं थे, आप उनके मंत्रियों के अधिकार देने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि मेरे घोषणा पत्र में ये बातें, वचन पत्र में ये बातें थी, अगर आप इसको पूरा नहीं करोगे तो मैं आंदोलन करूंगा, मैं सड़क पर उतरूंगा। मुख्यमंत्री ताव में कहते तो तुम सड़क पर आ जाओ, अब वो जिस दिन सिंधिया जी सड़क पर आए तो ये नाली में गटर में चले गए। तो ये बोलने से पहले 10 बार आपको मुख्यमंत्री बनकर के आप खुदा नहीं हो गए साहब, आप जनता के सेवक हो, इस बात का सर्टिफिकेट जनता ने दिया है। और ये उपाध्याय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जनता जिसको चुना वो जनता से ही दूर हो जाए,
कारपोरेट ऑफिस थोड़ी ना भैया, ये जन संवेदनाओं से जुड़े हुई राजनीति होती है। अभी संगठन के आधार पर अगर कुछ बातें हम कहें, बीडी शर्मा जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपको याद होगा कि भरे चुनाव में उनके पिताजी कोरोना के संक्रमण के कारण नहीं रहे, लेकिन बीडी शर्मा जी ने अंत्येष्टि करने के बाद उस कार्यक्रम स्थल से जहां पर उनका पैतृक गांव है वहां से बैठ करके पूरे संगठन को चलायमान करते रहे जी। ये होता है पार्टी के प्रति समर्पण। ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब कोरोना पॉजिटिव, उनकी माताजी कोरोना पॉजिटिव, और वहां से निकलने के बाद सबसे पहले वो कोरोना पीड़ितों को अपना प्लाज्मा डोनेट करते हैं। ये मैसेज था कि मैं, मेरा शरीर अगर जब तक है ये प्रदेश देश की जनता के काम आना चाहिए। वे आकर के चुनाव में लग गए। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री होने के बावजूद वे लगातार, हमने चिरायू अस्पताल में देखा, वो अस्पताल में कोरोना से भी युद्ध कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता के अधिकारों के लिए भी लड़ रहे हैं, उनके लिए भी काम कर रहे हैं, उनकी योजनाएं लगातार मॉनिटरिंग। बिल्कुल चेतन जी, जनता के अधिकारों को लेकर ही उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की थी। होंगे इस तरह के लोग काम करने वाले होंगे, उनको कोई नहीं हरा सकता साहब। बिल्कुल चेतन जी, नहीं सकता, बिल्कुल जनता उनको हारने नहीं देगी। ये जनता के अधिकारों को लेकर ही जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आवाज बुलंद की थी, और यही आवाज मध्य प्रदेश की सियासत का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट निकला। उन्होंने कहा था कि जनता को लेकर मैं सड़क पर उतर जाऊंगा, और ये सड़क पर उतरने वाली बात सत्ता परिवर्तन का सबब बनती दिखाई दी। दोनों मेहमानों को यह रोकना चाहूंगा। इस वक्त हम बात करेंगे पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर से। हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव ने बात की है, क्या कहना है सुनते हैं। उपचुनाव की मतगणना के बीच हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर जी। आइए हम उनसे जानते हैं कि कहां चूक कांग्रेस से इस समय हुई है, और किस क्या गलतियां कांग्रेस से कांग्रेस द्वारा की गई है। हुई सरकार को गिराने का काम हुआ है, तो लोगों में नाराजगी थी। अब ये जो रुझान है, हालांकि इसको अभी हम परिणाम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लगभग 20 राउंड होना है, अभी 3 और 4 राउंड इसके हुए हैं, लेकिन फिर भी जो रुझान दिख रहे हैं उसके मुताबिक बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले रुझान हैं। और कई बार अब तो ये संदेह होने लगा कि सच में ही तो नहीं कहीं मशीनरी मैनेजमेंट है, या जिस तरीके से प्रशासन ने जो कोविड वाले जो वोट डलने थे, जो बुजुर्गों के वोट डलने थे, जो घर से वोट डलवाए गए, उसमें कोई अंगूठा तो लगा नहीं, बस टिक लगा दिया। अब टिक के बाद दस्तखत तो किसी के हैं नहीं। तो सच में ही जो बीजेपी कहती है कि हमारा मैनेजमेंट बहुत मजबूत है, और वो मैनेजमेंट यहाँ पे दिखाई सा दे रहा है, तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो है, परिणाम कुछ भी आए लेकिन प्रजातंत्र हारेगा। मध्य प्रदेश की जो लोगों की निगाहें मध्य प्रदेश की तरफ थी कि मध्य प्रदेश एक ऐसा उदाहरण बनेगा कि जो बिकने वाले लोग हैं उनको सबक सिखाने का काम करेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो न केवल मध्य प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात होगी और प्रजातंत्र के लिए होगी, बल्कि देश के लिए जो है एक बार सोचने के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगेगा कि आखिरकार हम किस तरीके से वोट को अपना प्रयोग कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कहना है कि प्रशासन और जनता के बीच का चुनाव था ये, तो आप इसको कैसे? मैंने आपसे पहले ही यही वो बात, मैंने भी वही बात बोली है कि ये चुनाव जो है आम जनता कांग्रेस की तरफ से इस चुनाव को लड़ रही थी, और आम जनता की भावनाएं भी कांग्रेस के साथ थी, क्योंकि उनको तकलीफ थी इस बात की कि जिस तरीके से प्रजातंत्र को खत्म करने का दुष्चक्र रचा गया है उसका वो बदला लेना चाहते थे। लेकिन जो रुझान दिखाई दे रहे हैं वो उसके विपरीत दिखाई दे रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से कोई भी व्यक्ति है उसके दिमाग में बात आ रही कि आखिरकार हो कैसे सकता। भाई आप भी कैमरा लेके कई जगह गए होंगे, तो आपको भी बहुत सी जगह की परिस्थितियां आपने देखी होंगी, और मेरा ऐसा विश्वास है कि आप भी अपने दिल पे हाथ रख के कहेंगे तो आपको अंदर से ये बात तो आएगी कि लोगों का रुझान ऐसा नहीं था जैसा दिख रहा है। सर एक आखिरी सवाल, जिस तरह से मुद्दों की बात की जाए तो चुनाव में टिकाऊ बिकाऊ मुद्दा अभी रहा, किसान कर्ज माफी भी कई जगह हम लोग भी गए बीच में, जनता के बीच में, तो कई किसानों का भी कहना था कि कर्ज माफ नहीं हुआ है, तो कई का कहना था हमारा कर्ज माफ हुआ है, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस कहाँ चूक कर गई, किस तरह से जनता के बीच में नहीं पहुंची? देखिए कांग्रेस ने बराबर जनता के बीच में जाने का काम किया है, हम लोगों ने अबकी बार बूथ लेवल तक की अपनी तैयारियां भी की थी और मेहनत भी की है, लेकिन अब इस हिसाब से जैसे रिजल्ट आ रहे हैं उस हिसाब से तो उस गाने की लाइनें याद आती हैं, जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा, ऐसी स्थिति जो है दिखाई पड़ती है जो किसी भी प्रदेश के लिए अच्छी नहीं। तो हमारे साथ थे पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर जी, उनका साफ कहना है कि जिसकी होगी लाठी भैंस वो ले जाएगा, इस तर्ज पर कहीं ना कहीं ये चुनाव हुआ है, और जो अभी जो परिणाम आ रहे हैं
वो पूरी परिणाम नहीं है, वो अभी सिर्फ रुझान है, इनको अभी बदलने में देर नहीं लगेगी। कैमरामैन इमरान के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज वर्ल्ड भोपाल। नामों में बदलने में देर नहीं लगी। चेतन जी आपने भी सुना, डॉक्टर साहब आपने भी सुना, मैं चर्चा जारी रखूंगा, लेकिन उससे पहले तस्वीरें जिस तरह से बीजेपी को लेकर आ रही हैं, काफी उत्साह का माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है। खासकर के सिंधिया समर्थक आतिशबाजी जलाकर अपनी खुशी का इजहार करते दिखाई दे रहे, और खास क्योंकि जश्न भी इसलिए खास है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख दांव पर लगी हुई थी, 12 मंत्री मध्य प्रदेश की उनकी साख दांव पर लगी थी। और जिस तरह से धीरे धीरे रुझानों को लेकर बात की जाए, देख सकते हैं बैंड बाजा आतिशबाजी सब कुछ बीजेपी कार्यालय के बाहर लगातार दिखाई दे रहा है। शिवराज सिंह चौहान के कटआउट लेकर उनके समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता लगातार जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं। एक अलग उत्साह, एक अलग जोश, एक अलग उमंग बीजेपी कार्यालय के बाहर देखने को मिल रही है। पार्टी का परचम लगातार बुलंद होता दिखाई दे रहा है, लहराता दिखाई दे रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर लगातार जश्न की तस्वीरें यहां पर बनती दिखाई दे रही है। तो चेतन जी बात की जाए पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर को लेकर, इससे पहले जब चुनावी बिसात बिछ रही थी, चुनावी माहौल बना हुआ था और चुनावी मौसम में पल पल सियासत बदलती दिखाई दे रही थी, और बार बार कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा था कि खरीद फरोख्त की गई है, गद्दारी की गई है, लोकतंत्र की हत्या की गई है, बीजेपी संविधान बदलना चाहती है। लेकिन अब जब हमारे संवाददाता ने बृजेंद्र सिंह राठौर से बात की तो उनका कहना है कि लोकतंत्र हारेगा, जिस तरह से चुनाव नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, अब बात कुछ अलग अलग अंदाज में करती दिखाई दे रही, कांग्रेस क्या कहेंगे चेतन जी? देखिये एक तो अहंकार है कांग्रेस का, यही अहंकार है कांग्रेस की अंतरात्मा का, वे जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं, वे जनता की जन भावनाओं को समझना नहीं चाहते हैं। जिसकी होगी लाठी उसकी होगी, भाई बृजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, और रिकॉर्ड तो इन्हीं का इस तरह का है जिस तरह की वो बात कर रहे हैं। पूछो आप इन्होंने कितनी लाठियां चलाई और कितनों की भैंस अपने घर में ले जाके बांध लिए, ये बृजेंद्र जी बहुत अच्छे से बता सकते हैं। इनको ये समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जनता, तुलसीदास जी की एक लाइन है, आवत ही हर से नहीं नैन नहीं सने तुम तान चाहिए कंचन बरसे में। तो आपको मध्य प्रदेश की जनता ने आप स्वीकार नहीं किया है, आप क्यों जबरन को उसमें ठसना चाह रहे हो? मध्य प्रदेश की जनता ने अपने जनसेवक के रूप में चयन करके रख लिया है, उसने अपना जनसेवक माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को चुन करके रख लिया है। आपके पास बूथ नहीं, आपके पास यूथ नहीं, आपके पास किसान नहीं, आपके पास युवा नहीं। जिस प्रकार से आपने मध्य प्रदेश के किसानों से जो ऋण माफी के नाम पर जो छलावा किया है, क्या मध्य प्रदेश के किसान को आप बेवकूफ समझते हो? आपके युवराज, आपके लीडर के सुप्रीमो कहते हैं कि 10 दिन में अगर ये ऋण माफ नहीं होते 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। आप 16 महीने चीफ मिनिस्टर रहते, कि क्या है ये मध्य प्रदेश की जनता से जो आपने बातें की थी, जो वादे की थी, 4000 रुपए में बेरोजगारी भत्ता है, ये 4 युवाओं के नाम आज दिन तक किसी पटल पर नहीं बता पाए। 1 साल में 2 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 2000 लोगों को ये नौकरी दे करके किसी को बता नहीं पाए कि ये 2000 लोग हैं जिनको हमने नौकरी दी। किसी को केवल कोसने से, किसी को गाली गुफ्तार करने से या किसी का अपमान करने से आप सोचते हो आपका कद बढ़ जाएगा, ये संभव नहीं है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को लेकर के जिस प्रकार से आपने कमर के नीचे का जो वार का आपने किया था, ये मध्य प्रदेश की जनता समझ गई है। आप बताइए ना, आपके कार्यकाल में हनी मनी का कांड हुआ है, ये हनी मनी में लिप्त सरकार थी, पहले भी अली बाबा चाय चोर की मंडली थी जी। और आईफा अवार्ड का शो करा रहे हैं आप, मेरे मध्य प्रदेश में क्या परिस्थितियां, आप आईफा अवार्ड की बात कर रहे हो? चेतन जी फिर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, ये थोड़ी देर आपको रोकना चाहूंगा। चेतन जी अभी हमने बात की थी पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर से, जो हमारी लाडली लक्ष्मी बिटियाएं थी, जो मेरी बिटियाओं के स्मार्टफोन थे, जो लैपटॉप थे, ये सारी सरकारें खा गई। इन सारी बातों का जवाब आपको कमोबेश देना पड़ेगा। आपने तो बिल्कुल योजनाओं को लेकर, खाली खजाने को लेकर, योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा, यहाँ थोड़ी देर रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश स्टेट राय सक्सेना ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव से बात की है, क्या कहना उनका ये भी सुनते हैं। कई सीटों पर मतगणना जारी है, शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे है, कांग्रेस अभी पीछे चल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव जी, चर्चा करेंगे जिस तरह से परिणाम सामने आ रहे हैं। अरुण जी क्या कहेंगे शुरुआती रुझान में अभी कांग्रेस? बहुत अर्ली स्टेज है, मतलब अभी तो जो मैं सबसे बातचीत हो रही है, 2-3 राउंड अभी हुए हैं, करीब 21-22 राउंड तक काउंटिंग होती है।
और शुरुआती दौर है अभी, लेकिन मुझे पूर्ण भरोसा है कि जिस तरह से प्रदेश की 28 सीटों पर जो चुनाव हुआ है, मतदान हुआ है, और जो स्थानीय है वहाँ के वोटों से उन्होंने अपना जो टिकाऊ बिकाऊ का जो एक स्लोगन था जो, और जिस तरह से उनके साथ दगाबाजी की उस क्षेत्र के उम्मीदवारों ने, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम लोग करीब 24 सीटें मध्य प्रदेश में जीतेंगे और सरकार भी कांग्रेस की बनेगी। क्या आपको लगता है जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं टिकाऊ बिकाऊ की, कांग्रेस ये बात जनता को समझाने में कामयाब रही है, इसीलिए आप 24 सीटों में? बिल्कुल रही और जनता को समझाने की आवश्यकता इसलिए थी, जनता खुद भी समझ रही थी कि किसी उम्मीदवार को 18 के चुनाव में उन्होंने जिताकर भोपाल भेजा और इस मकसद से भेजा कि अपने क्षेत्र का विकास कराएगा, उसने उनके साथ धोखा किया। कांग्रेस की सरकार एक इलेक्टेड सरकार को गिराने का काम किया, तो वो तो ट्रेंड है ही पूरा 28 सीटों पर है। क्या लगता है आपको, जिस तरह से अगर बीजेपी की बात करें तो तमाम सारे चेहरे दांव पर वहां पर थे, अगर कांग्रेस की बात करें तो पीसीसी चीफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का चेहरा था, ग्वालियर में जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के एक चेहरा रहे हैं, तो क्या एक जमावट करने में कहीं ना कहीं विलंब कांग्रेस की तरफ से हुआ या समय नहीं मिला चुकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई जमावट में कोई, और अच्छे कैंडिडेट्स का चयन हम लोग काफी सर्वेस माननीय कमलनाथ जी ने कराए और मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन हुआ है और अच्छा चयन हुआ है और सभी जीते ही है, अभी थोड़ा इंतजार तो करिए आप। दूसरा एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नहीं अभी भी भरोसा है कि 44 सीट के आसपास कांग्रेस रहेगी, अगर आशा अनुरूप परिणाम नहीं आते तो क्या कांग्रेस संगठन को एक नए सिरे से मध्य प्रदेश में जमाने की आवश्यकता? तो सुना आप लोगों ने भी कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव का क्या कुछ कहना है, अभी भी वो यही कहते नजर आ रहे हैं। शुरुआती रुझान है, इलेक्टेड सरकार को गिराया है बीजेपी ने और रुझान बदलेंगे आगे, देखिए अभी तो शुरुआत अर्ली स्टेज चल रही है। शिशिर जी आपका रुख करना चाहूँगा, जिस तरह से मध्य प्रदेश में मुद्दों को लेकर चुनावी मौसम बनना शुरू तो हुआ था लेकिन बीच में कहीं ना कहीं मुद्दों की सियासत गायब होती दिखाई दी, नदारद होती दिखाई दी और जो एक इसका टर्निंग पॉइंट बना वो रहा आइटम वाला बयान। क्या लगता है जिस तरह से व्यक्तिगत प्रहार भी किए गए पूरे चुनावी संग्राम में, किस तरह देखें? देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीतिक दल उन्होंने क्या किया इस पर बताने से ज्यादा इस तरीके के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित कर देते हैं और वो ऐसे मामले जो जिसका जनता से कोई लेना देना नहीं है, जिस तरीके के मामले सामने आते हैं उससे ऐसा लगता है कि मूल मुद्दों से भटक रहे। इनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, बताने के लिए कुछ नहीं था और इसलिए ऐसे बयान दे देकर आप आश्चर्य करेंगे कि जो उनके साथ 15 महीने मंत्रिमंडल में रहा हो, जिसको कांग्रेस ये कहती थी कि उससे ज्यादा अनुभवी देश का 47 साल संसदीय मंत्री रहे, केंद्र के मंत्री रहे हैं और उनसे ज्यादा अनुभवी कोई नहीं है, वो अपने मंत्री का नाम नहीं जानता था। मतलब ये इससे लगता है, आज मैं बृजेंद्र प्रताप सिंह जी ने जो कहा, अरुण यादव जी ने जो कहा, आप ये बताइए कांग्रेस जीत जाए, अगर बृजेंद्र प्रताप सिंह जी जीत गए तो लोकतंत्र की जीत है और अगर भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया तो लोकतंत्र हार गया। लोकतंत्र उस दिन हारा था जिस दिन एक चुने हुए जनप्रतिनिधि ने कहा था कि जनता के मुद्दों पर मैं सड़क पर उतर जाऊंगा और उस दिन लोकतंत्र की हत्या हुई थी जिस दिन कमलनाथ जी ने कहा था कि ये जाओ सड़क पर उतर जाओ। ये लोकतंत्र चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, अपने विधायक, उस दिन लोकतंत्र की हत्या हो रही थी जिस दिन वो वल्लभ भवन के उस आलीशान चैम्बर में बैठे रहते थे और मंत्री विधायक मिलने जाते थे और उन्हें मिलने का टाइम नहीं दिया जाता था, उस दिन लोकतंत्र हारा था क्योंकि जनता ने अपने प्रतिनिधि चुनकर इसलिए भेजे हैं कि वो जनता के मुद्दों पर जाकर सुने। मुख्यमंत्री को चुना है जनता ने, मैं आज भी कहता हूँ चेतन जी, अगर इससे हो सकता है असहमत हो, कि जनप्रतिनिधि जनता के सेवा के लिए चुना जाता है, जनता का नुमाइंदा होता है। और बिल्कुल जनता किस पर विश्वास जताती है, जनता के मन में होता है, इसे भाव का बाकी काफी मुश्किल होता है। शिशिर यहां रोकूंगा क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वह सागर से, ईवीएम के कंट्रोल यूनिट के नंबर में अंतर होने से शिकायत के बाद मतगणना रोक दी गई है, कांग्रेस प्रत्याशी पावल साहू ने दर्ज कराई है आपत्ति, यह खबर आ रही है सुर्खी विधानसभा को लेकर। सागर से ईवीएम के कंट्रोल यूनिट के नंबर में अंतर पाया गया है, इसे लेकर शिकायत की गई और मतगणना रोक दी गई है। कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू ने यह इस पर आपत्ति दर्ज कराई है, लिखित में जवाब मांगा है, इस वक्त यह खबर आ रही है।
सागर से आपको बता दें बड़ी खबर है, ईवीएम में ईवीएम के कंट्रोल यूनिट के नंबर में अंतर होने की शिकायत को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी पायल साहू ने आपत्ति दर्ज कराई और इसके लेकर लिखित में शिकायत जवाब भी मांगा है। दिनेश जैन हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता सागर से। दिनेश, आपत्ति सामने आई है कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से, ईवीएम के कंट्रोल यूनिट के जो नंबर है उसमें कुछ अंतर पाया गया है, क्या है पूरा मामला? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सागर में सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की काउंटिंग सागर के इंजीनियरिंग कॉलेज में चल रही है, तो वहाँ पर जब मतदान पेटियों की चेकिंग और काउंटिंग दोनों चल रही थी, उसी वक्त एक मामला सामने आया जिसकी आपत्ति दर्ज करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू ने आपत्ति दर्ज कराई है कि मशीन के नंबर में और कंट्रोल यूनिट के नंबर, जो कि एक महत्वपूर्ण चीज होती है, उसमें कुछ चेंज है। उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई, जिसको देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने कुछ देर के लिए मतदान रोक दिया है। जी, चलिए, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया दिनेश। तो शीशी बात चल रही थी मतगणना को लेकर और सागर से इस वक्त बड़ी खबर आ गई है और यहाँ एक बार फिर रोकना चाहूंगा और जश्न को लेकर जो तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय के बाहर से लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और जश्न का माहौल लगातार यहाँ पर बनता दिखाई दे रहा है। शशि जी, आपकी प्रतिक्रिया पूरी करूंगा, लेकिन यहाँ पर राय सक्सेना ने बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं से बात की, खास करके ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों से। बीजेपी कार्यालय के बाहर जो जश्न में डूबे, क्या कहना है ये भी सुनते हैं। रुझानों में लगातार बीजेपी आगे चल रही है और आप देख सकते हैं बीजेपी दफ्तर के सामने जो सिंधिया समर्थक हैं वो लगातार अब जश्न के मूड में आगे बढ़ रहे हैं। कृष्णा घाट के हमारे साथ में सिंधिया समर्थक, उन्हीं से जानते हैं जश्न की तैयारी। बिल्कुल, जश्न की तैयारी है, दीपावली के साथ होली भी मनाएंगे और सारे त्योहार मनाएंगे, क्योंकि मंगलवार के दिन आज हनुमान जी ने जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, सिंधिया जी को दिया है, वो आपके सामने है कि 20 सीटों पे जो है भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये बड़ा प्रेस्टीज का एक मामला सिंधिया जी के लिए था ये चुनाव। और जिस प्रकार से जनता ने आगे बढ़ चढ़ के, चाहे वो चंबल संभाग की हो चाहे मध्य प्रदेश संभाग की जनता है, उसने सिंधिया जी को जो अपना समर्थन दिया है, वो कहीं ना कहीं सिंधिया जी का कद और भी भारतीय जनता पार्टी में बढ़ाएगा और ऐसी युवाओं, पूरे युवा एक कामना कर रहे थे और फिर युवा आगे बढ़ के कामना भी कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं युवाओं को पीछे कर दिया था। बुजुर्गों की पार्टी, बंटाधार की पार्टी ने युवा नेतृत्व को पीछे किया था, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में उनका सम्मान हुआ है और आज जनता जनार्दन ने उनको अपना आशीर्वाद दिया है। इसके लिए आज मध्य प्रदेश के भोपाल के पूरे युवा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जश्न मनाने आए। उतरे सिंधिया, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, कसौटी पे खड़े उतरे हैं, जो आपने चाहा था वही हुआ? बिल्कुल, जो चाहा था उससे बढ़कर हुआ, क्योंकि कांग्रेस लोगों को भ्रमित कर रही थी, गद्दार बोल रही थी और ये जनता ने जवाब दिया कि गद्दार कौन है। ये कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, जिन जो आखिरी ईंट जो कांग्रेस की बची हुई है वो गिराने की जो कोशिश कर रहे थे, वो उसमें कामयाब हुए और सिंधिया जी की जो शुरुआत भारतीय जनता पार्टी में हुई है धुआंधार बल्लेबाज के रूप में, आप देखेंगे ये और आगे तक जश्न बनेगा। तो आप देख सकते हैं कृष्णा घाट के सिंधिया समर्थक और जश्न की तैयारी और कह रहे हैं कि युवाओं में जोश और उत्साह है और लगातार पूरी तैयारी अब धीरे धीरे उनकी आगे बढ़ रही है। कैमरा पर्सन आमिर के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ वन भोपाल। तो देखा आपने किस तरह का माहौल बीजेपी मुख्यालय के बाहर देखने को मिल रहा है, बीजेपी कार्यकर्ता नेता जश्न में डूबे हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें, अभिलाष पांडे से बात की जो कि बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, राय सक्सेना ने क्या कुछ कहा उन्होंने, ये भी सुनते हैं। बीजेपी लगातार बढ़त की ओर बढ़ रही है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे हमारे साथ में है, क्योंकि हमने जिस तरह से देखा कैंपेनिंग में युवा मोर्चा की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, किस तरह से देखते हैं जीत को? देखिए, एक तरफ वो दल था जो जनता के लिए विकास करता है और दूसरी तरफ वो लोग थे जिन्होंने जनता से झूठे वादे किए थे, युवाओं से झूठा वादा किया था, किसानों से झूठा वादा किया था। मुझे पूर्ण विश्वास था कि मध्य प्रदेश की जनता विकास के साथ चलेगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है और आप देख रहे होंगे जिस तरह के रुझान प्राप्त हो रहे हैं, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी जीत कर आ रही है। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव पर थे और वो सारे झूठे वादे करने वाले लोगों को जनता ने नकार दिया है
और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता ने उनका अपना आशीर्वाद दिया है। तमाम चेहरे दांव पर लगे थे अभिलाष भाई, क्या इस टेस्ट में सारे पास हो गए? अगर ग्वालियर चंबल क्षेत्र की हम बात करें तो क्या कहेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, जिस तरह से बड़े दावे थे, कितने तब्दील हुए उन दावे? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक सूत्र पर चुनाव लड़ा है। आपने पूरे चुनाव में देखा होगा कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, वो सिंगल कमलनाथ घूम रहे थे। कांग्रेस में अंतर कला बहुत ज्यादा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कुशल नेतृत्व ऐसा है जो एक सूत्र में बांधकर चुनाव लड़ रहा था। और मैं ये मानता हूं कि संगठन ने बहुत व्यवस्थित तरीके से काम किया है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को विश्वास भी दिया है और अपना आशीर्वाद दिया। युवा मोर्चा की अगर हम बात करें, पूरी तरह तैनाती रही है, कितने संतुष्ट है मोर्चा के काम से आप? देखिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चे की पूरी टीम हमारे प्रदेश नेतृत्व के साथ मिलकर काम की। मैं खुद 28 सीटों में 53 स्थानों तक पहुंचा हूं। मैं पूर्णतः युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं को इसके लिए भी बधाई देता हूं कि मध्य प्रदेश में नौजवानों ने धूम मचा दी और नौजवान भारतीय जनता युवा मोर्चे का एक एक कार्यकर्ता मैदान पर डटा रहा, उसके लिए भी मैं सबको बधाई देता हूं। आप देख सकते हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे जिस तरह से उत्साहित हैं, और युवाओं की भूमिका भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण रही है, और यही कारण है कि वो कह रहे हैं सभी के सामूहिक प्रयासों से इस तरह की जो लीड लगातार बीजेपी ले रही है कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है। कैमरा पर्सन आमिर के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ वर्ल्ड, भोपाल। युवाओं में जोश है और पूरे चुनावी मैदान में देखा जाए तो युवाओं की भी खास भूमिका यहां पर देखने को मिली है। अतिथि हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार, और बीजेपी प्रवक्ता चेतन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युवाओं को लेकर बात होती नजर आ रही है। शिशिर जी, बात चल रही थी बयानबाजी को लेकर, व्यक्तिगत तंज ज्यादा कसे गए, और जो मुद्दों की बात थी, जो मुद्दे उठाने की बात कही जा रही थी, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे पूरे चुनावी बिसात से नदारद होते दिखाई दिए, तो कितना असर इन समीकरणों पर देखने को मिला इन बातों का? मैं मेघाव की एक चुनावी सभा में खड़ा हुआ था और जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशियों में जबरदस्त फाइट चल रही थी जी। वहां जब हमने ये पूछा कि ये जो चुनाव चल रहा है जिस तरीके से, उसी समय ये जो बयानबाजी जिस तरीके से आइटम वाला जो बयान आया था जी। तो एक ग्रामीण ने मुझसे ये पूछा कि साहब, इन दोनों राजनीतिक दल के नेताओं ने कभी ये नहीं कहा, किसी मुद्दे पर कभी ये बड़ा नेता ये बात नहीं बोलता है कि हमारे यहाँ खाद्यान्न नहीं बट पाया है, हमारे यहाँ स्कूल में टीचर नहीं है, हमारे यहाँ अस्पताल में दवाएं नहीं मिल पाती हैं, हमारे यहाँ विभाग में जो ग्राम सहायक है जो किसानों को मदद करता है उसका कोई इंतजाम नहीं हो पाता। इस मुद्दे पर चुनाव में ये मुद्दे गायब नजर आते हैं, सिर्फ इस तरीके के बयान आ जाते हैं। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये हो सकता है कटु लगे, लेकिन कुछ मुद्दों पर ये सब बौसेरे भाई नजर आते हैं, सब हवाम में एक से नजर आते हैं। क्योंकि कर बताने के लिए आज भी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का, अभी बोला जिस तरीके से घाटके जी ने, पंटा ढार की बात करते हैं जी। 2003 के पहले क्या किया था उसकी बात करेंगे, इन्होंने 15 महीने में क्या किया इनकी सरकार ने ये कभी नहीं बताते हैं, इन्होंने 15 साल में इनकी सरकार ने क्या किया इस पे बात नहीं करेंगे। ये अगर बात करते हैं तो ये कहते हैं 2003 के पहले सड़कें नहीं थी, आज क्यों टीचर नहीं है, आज प्रदेश में 40,000 शिक्षक, तुम 15 साल सत्ता में थे क्यों नहीं, अस्पताल पूरे खाली पड़े क्यों डॉक्टर नहीं दे पाए 15 साल की सत्ता में, इस पे बात नहीं करते हैं। इन्होंने 13-14 महीने में कमलनाथ की सरकार में कुछ नहीं किया, ये बात तो करते हैं, लेकिन सरकार में 15 साल आपकी सरकार थी, अस्पतालों में डॉक्टर क्यों नहीं, कौन जिम्मेदार इसके लिए, शिक्षक क्यों नहीं, कौन जिम्मेदार इसके लिए? चलिए बिल्कुल, और बीजेपी इसको मुद्दा बनाती लगातार दिखाई दी है कि 15 महीनों में कमलनाथ सरकार ने शशि जी कुछ नहीं किया है। यहाँ रोकूंगा चेतन जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लूंगा कम शब्दों में, लेकिन उससे पहले लाल सिंह का क्या कुछ कहना है ये सुनते हैं। सीटों पर मतगणना जारी है और रुझानों में बीजेपी काफी आगे, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य हमारे साथ में है, किस रूप में देखते इस परिणाम को, जो सोचा वही? मुझे लगता है कांग्रेस के विधायक भाजपा में जब आए थे और उनको टिकट मिला था और चुनाव जब हो रहा था, तब मैंने तीनों समय एक ही बात कही थी कि मध्य प्रदेश में जनता का विश्वास जीतेगा, मध्य प्रदेश में शिवराज जी की आस्था जीतेगी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विकास जनकल्याणकारी योजना जीतेगी, और कांग्रेस का घमंड हरेगा, कांग्रेस का धोखा हरेगा, कांग्रेस का कपट हरेगा, और आज वही रुझान दिखाई दे रहा है। खरीद फरोख्त के आरोप तो कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया। मुझे लगता है
कांग्रेस के पास मुद्दे ही नहीं थे। डेढ़ साल में जनता के लिए क्या किया, गरीबों के लिए क्या किया, एससी एसटी के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या, कुछ भी था नहीं। उनके द्वारा अपने विधायकों को ही विश्वास में नहीं ले पाए और इस कारण से वो जो विधायक आए हमने उनके को लेते हुए और जनता के सामने बताया कि देखो 15 साल में शिवराज जी ने काम ये किया, लोगों ने स्वीकार किया, विकास ये किया, लोगों ने स्वीकार किया, कांग्रेस बता ही नहीं पाई। इसलिए कांग्रेस भटकाना चाहती थी मतदाता को, लेकिन मध्यप्रदेश के मतदाता को मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त भी करना चाहता हूँ कि कांग्रेस के षड्यंत्र में नहीं फंसे बल्कि भारतीय जनता पार्टी के शिवराज जी और विकास के साथ खड़े हो गए। बीजेपी संख्या बल के आधार पर अब काफी आगे निकल चुकी है, लेकिन जिस तरह से चाहे हम बीएसपी की बात करें, एसपी की बात करें, निर्दलीयों की बात करें, काफी उम्मीद के साथ वो कहीं ना कहीं बीजेपी के संपर्क में थी, क्या उनको वही न्याय मिल पाएगा क्योंकि कांग्रेस से भी उन्हें उम्मीद लगाई थी? स्वाभाविक है, मैं विश्वास पूर्वक कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी आता है उसका उसको विश्वास देना, उसका सम्मान करना, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को इज्जत देना, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं संस्कार के रूप में है। इसलिए कांग्रेस के मित्र जो भाजपा में आए हैं अब वो कांग्रेस में नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार के अंग है, वही सम्मान, वही ताकत, वही संस्कार जो भाजपा अन्य कार्यकर्ताओं में है, वो पूरा प्यार उसने पूरा हमारा नेतृत्व तो कहीं ना कहीं दे रहा है, देता रहेगा। क्या ये भी साफ हो गया कि सबसे ज्यादा हनुमान भक्त बीजेपी में है क्योंकि कांग्रेस लगातार ये दावे करती रही, आज भी ट्वीट दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ हनुमान भक्त है और इसीलिए कांग्रेस को बेहतर परिणाम। मुझे लगता है देश की जनता ने कांग्रेस के नेताओं के छल कपट और भ्रम और षड्यंत्रों को पहचान लिया है, उसी का परिणाम है कि कांग्रेस देश में मुक्त होती जा रही है। जो हनुमान जी की बात कर रहे हैं वो हनुमान जी के हृदय में बसे हुए राम को काल्पनिक बताते हैं तो वो हनुमान जी कहां खुश हो जाएंगे। इसलिए ये छल कपट कांग्रेस को छोड़ना चाहिए और पूरी शिद्दत के साथ ताकत से कहना चाहिए हाँ हम राम जी के साथ हैं। लेकिन कांग्रेस कह नहीं पाई क्योंकि वो बोध देखती है और हम श्रद्धा देखते हैं। ग्वालियर चंबल में जो सोचा था उसके अनुरूप कि कहीं ना कहीं कोई कर सकता, मुझे लगता है अभी रुझान जो परिणाम आए हैं वो 3 राउंड के आए हैं, 4 के आए हैं। अभी चंबल और ग्वालियर में और सीटें बढ़ेगी, कुछ सीटें 200-400-500 वोट से पीछे हुई हैं, लेकिन अगले राउंड में भारतीय जनता पार्टी मुझे लग रहा है क्योंकि मैं क्षेत्र में घूमा हूँ वो सीटें भी आगे होगी और भाजपा अभी 20 में आगे चल रही है निर्णायक बढ़त पर, मुझे लगता है कि सीटें और बढ़ेगी। आखिर में आपका भिंड क्या कहता है? भिंड में महंगा आगे चल रही है और गोहद सीट भी कुछ वोटों से कम है, लेकिन जैसे जैसे राउंड और खुलेंगे गोहद भी जीत की ओर बढ़ेगी। तो आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जिस तरह से कह रहे हैं कि परिणाम पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में होंगे। कैमरा पर्सन साजिब के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज बुलेटिन भोपाल। बिल्कुल, परिस्थितियां धीरे धीरे और ज्यादा बदलती दिखाई दे रही हैं और तस्वीर इस पे जो धुन छाई हुई धीरे धीरे साफ होती दिखाई दे रही है, परिणाम लगातार निकलकर सामने आ रहा है। चेतन जी, वक्त कम है, अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा कम शब्दों में। 2018 विधानसभा चुनाव को लेकर देखा जाए तो माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज, कुछ इस तरह का नारा बुलंद हुआ था, लेकिन 15 महीने में ये नारा की और तस्वीर दोनों ही बदलती नजर आई। शिवराज और सिंधिया को लेकर बात की जाए कहां तो प्रतिद्वंदी थे और फिर एक जोड़ी बनी शिव ज्योति की, और इस उपचुनाव में जिस तरह से दोनों ने काम करते दिखाई दिए तो क्या लगता है शिव ज्योति प्रकाश की तरफ अग्रसर होती दिखाई दे रही है, किस तरह देखें इसे? देखिए, जो लोग प्रभु राम के बारे में कहते थे वजूद नहीं है, आज वो हनुमान जी की बात कर रहे हैं, तो यही तो विडंबना है। यही लोकतंत्र है कि वक्त आने पर सबको सब याद आता है। और अब आप किसी से भी चर्चा करिए तो आप उनको बता दीजिए 24-25 की बातें करना भूल जाइए, 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी निर्णायक बढ़त हासिल कर चुके, निर्णायक। अब उससे हम नीचे नहीं आएंगे। तो मेरा ऐसा निवेदन है कि जिन लोगों को पहले 28 अब 24 अब उनको बता दीजिए कि 7 पर तो आप बात मत करिए, अब 21 आप जीत रहे हो तो आप बताइए। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता को जो बातें कहनी थी उसने अपने मताधिकार का प्रयोग करके कह दिया, अब उसको बहुत ज्यादा कहने को नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया है, मैं मंगल कामना के साथ उम्मीद करता हूं कि उनका जो जनादेश मंगल को मिला है इस मध्य प्रदेश का भी मंगल ही मंगल। चेतन जी, शिव ज्योति की जोड़ी को किस तरह देखते हैं जी? शिव ज्योति की जोड़ी को किस तरह देखते हैं महाराज और शिवराज को? 1 और 11
निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में कोई किसानों का नेता, कोई युवाओं का नेता, तो कोई युवाओं का हृदय सम्राट, और ये सब मिलकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ी है, कम थोड़ी ना हुई है। चलिए बिल्कुल देखने वाली बात होगी, पल पल बदलते चुनावी नतीजे अगर आके रिजल्ट के रूप में जब सामने आएंगे तो क्या कुछ रिजल्ट निकल कर सामने आता है, क्या कुछ जनता का फैसला होता है। दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, चेतन सिंह बीजेपी नेता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह जनमत 2020 को लेकर देखा जाए, तकरीबन स्थिति धीरे धीरे साफ होती दिखाई देने लगी, और इस स्थिति के आधार पर बीजेपी मुख्यालय के बाहर जश्न का माहौल लगातार देखने को मिल रहा है। और खास करके जो तस्वीर खासतौर पर सियासी रंग में रंगती नजर आई है वो ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक है उत्साह, जश्न और उमंग में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस नेताओं से जब हमारे संवाददाता और श्री हेड ने बात की तो उन्होंने अभी भी उम्मीद जगाई है कि अभी तो शुरुआती रुझान है, स्थिति साफ, जब तक पूरी गिनती होगी, जब तक काउंटिंग होगी, स्थिति पूरी साफ हो जाएगी। अभी भी जीत का दावा अभी कांग्रेस की तरफ से लगातार किया जा रहा है, फिलहाल स्थिति अभी पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन अंतिम दौर तक क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी, किस तरह जनता मध्य प्रदेश की सत्ता का फैसला करती है, शिवराज सरकार वाकई सिंहासन पर काबिज रहेंगे या कमलनाथ की सरकार को लेकर सीटें आगे बढ़ती दिखाई देंगी। फिलहाल जनमत 2020 में इतना ही, दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।